केंद्र सरकार ने खेती कानून रद्द करवाने केंद्र सरकार के नाल गलबात कर रही देश के वख-वख किसान जथेबंदियों ने 31 मैंबरी कमेटी में शामिल इंटरनेशनल पंथक दल के किसान बचाओ मोर्चा के प्रधान भाई कृपा सिंह नथूवाला ने कहा कि देश विदेश दिया किसानी जथेबंदियों की हमायत नाल मजबूत होए किसान मोर्चे की शक्ति अगे झुकदिया केंद्र सरकार नूं किसान मारू तिन्ने खेती कानून रद्द करने ही पैणगे। केंद्र सरकार नाल 8वें गेड़ की 4 जनवरी नूं होण वाली मीटिंग तो ऐन पहला जलंधर विखे इंटरनेशनल पंथक दल के सरप्रस्त सिंह साहब भाई जसवीर सिंह खालसा की हाजरी में विशेष गलबात करदे भाई कृपा सिंह नथूवाला और इंटरनेशनल पंथक दल पंजाब के प्रधान भाई लखविंदर सिंह ने दसिया कि जे 4 जनवरी की मीटिंग में केंद्र सरकार ने यह खेती कानून रद्द करने के मामले में ठोस कार्रवाई ना की तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाले दिन दिल्ली दी सड़कों पर किसानों वालों ट्रैक्टर मार्च करदे देश दुनिया का ध्यान भारतीय किसानों नाल केंद्र सरकार वालों की जा रही धक्केशाही वालों दिवाया जाएगा। उन्हें यह भी दसिया कि इंटरनेशनल पंथक दल का किसान बचाओ मोर्चा खेती कानूनों के विरुद्ध लड़ी जा रही लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। उन्होंने दसिया कि पंजाब तो दिल्ली वाल मार्च के दौरान भी किसान बचाओ मोर्चा ने सब तो अगे रह के हरियाणा और दिल्ली सरकार के जुल्म जबर का सामना किया। इस तो पहला पत्रकारों के साथ गलबात करते इंटरनेशनल पंथक दल के सरप्रस्त और श्री अकाल तख्त साहब के सबका जथेदार सिंह साहब भाई जसवीर सिंह खालसा उन्होंने दसिया कि देश विदेश में सिखा के हकों में आवाज़ बुलंद करने पहला इंटरनेशनल सिख यूथ फैडरेशन बनाई गई थी जो दुनिया के 22 देशों में सरगर्मी के नाल काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और कुछ यूरोपी देशों वालों इंटरनेशनल सिख यूथ फैडरेशन उपर पाबंदी लगा दी गई थी। अदालत में पाबंदी हुक्मों में चुनौती दी पटीशन दायर की गई थी जिस विच जित हासिल की गई थी। उन्होंने दस्सिया कि इसके बावजूद भी देश विदेश में इंटरनेशनल सिख यूथ फैडरेशन के नाम से तंग परेशान की जाने कारण किसानों और होर वर्गों के हकों की राखी लिए इंटरनेशनल पंथक दल की स्थापना की गई। उन्होंने दस्सिया कि इंटरनेशनल पंथक दल देश विदेश में हर वर्ग के हकों की राखी के लिए सरगर्मी के नाल काम कर रहा है। सिंह साहब भाई जसवीर सिंह खालसा ने दस्सिया कि खेती कानूनों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही 31 किसान जथेबंदियों ने इंटरनेशनल पंथक दल के किसान बचाओ मोर्चे की कारगुजारी के आधार से इसनों केंद्र सरकार नाल गलबात करने वाली कमेटी में शामिल किया। सिंह साहब भाई जसवीर सिंह खालसा ने भी कहा कि इंटरनेशनल पंथक दल और इसका किसान बचाओ मोर्चा विंग सिंघू बार्डर विखे किसानों की लड़ाई में अगे होकर लड़न के नाल उत्थे मुफ्त मैडिकल कैंप लंगर और रैनिया सेवावां विच भी प्रमुख योगदान पा रहा है। इस दौरान इन आगुओं ने अहम इंकशाफ किया है कि दिल्ली विखे चल रहे किसान मोर्चे में नौजवान और बुजुर्ग किसानों की वध मौत होने का कारण यह है कि हरियाणा सरकार ने किसानों को दिल्ली वाल वधन तो रोकने के लिए जो अथरू गैस छड़ी सी उसकी म्याद मर चुकी थी। यह म्याद मुक चुकी अथरू गैस किसानों लिए मारू साबित हो रही है। उन्होंने दसिया कि आम तौर पर अथरू गैस लोगों को खंडियाने लिए की जाती है पर यह म्याद भुगा चुकी अथरू गैस जहरीली बन चुकी थी और बुजुर्ग किसान इस अथरू गैस के नाल बेहोश होकर डिगते भी देखे गए। उन्होंने दसिया कि इस जहरीली अथरू गैस ने किसानों के फेफड़े और शरीर के होर अंगों में जान का अज तक मारू असर सामने देख रहा है। उन्होंने कहा कि इस म्याद भुगा चुकी अथरू गैस छड़न के मामले में हरियाणा सरकार खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। केंद्र सरकार के लागू किए खेती कानूनों रद्द करवाने आरंभे संघर्ष के तहत जेकर 4 जनवरी की मीटिंग में मसला हल नहीं होता तो किसान जथेबंदियों वालों 6 जनवरी और 26 जनवरी के ऐलाने संघर्ष को कामयाब करने लिए इंटरनेशनल पंथक दल के किसान बचाओ मोर्चे वालों पंजाब भर के किसानों को इस प्रोग्राम में शामिल करने लिए विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इस तहत किसान बचाओ मोर्चे के समूह जिला प्रधानों की विशेष मीटिंग जलंधर विखे हुई। मीटिंग में इंटरनेशनल पंथक दल के सरप्रस्त सिंह साहब भाई जसवीर सिंह खालसा जी ने कहा कि भाई लखविंदर सिंह प्रधान इंटरनेशनल पंथक दल होर सीनियर आगू नाल लैके पंजाब भर में किसानों जागरूक करने की मुहिम चलाएंगे और वो तो किसानों ट्रैक्टर ट्रालियों के नाल 26 जनवरी के दिल्ली विखे किए जाने वाले मार्च में शामिल होने प्रेरित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज़ कम टीवी।